देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। दिल्ली की चुनावी सरगर्मी तेज है और लोगों का एक दूसरे पार्टी में आने जाने का खेल भी जारी है। और हमारे साथ इसी कड़ी में आज हम लोग ओखला विधानसभा पहुंचे। ओखला विधानसभा के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता तो है ही, लेकिन इनका ओखला विधानसभा में जो एक छवि है, एक समाज सेवी के रूप में छवि है। बतौर विधायक और बतौर समाज सेवी इन्होंने ओखला के लिए जो योगदान यहाँ के विधानसभा में विकास के लिए किया है वो सदैव यहाँ की जनता याद करती है। इसी कड़ी में हम इनसे ही जानेंगे इनकी जुबानी, इन्होंने अपने विधायक काल की उपलब्धि, संक्षिप्त उपलब्धि जानेंगे। देखिए मैं बता दूं, मैं दो बार कॉरपोरेशन का मेंबर भी रहा इंडिपेंडेंट की हैसियत से, और एक बार एमएलए इंडिपेंडेंट की हैसियत से रहा। फिर कांग्रेस के जो 8 लोग जीत कर आए थे उसमें भी मैं देखिए यहाँ के लोगों का मैंने सबसे बड़ी मैं तो उपलब्धि ये मानता हूँ कि मैंने यहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस जीता है, विश्वास है। देखिए तमाम मेरा ये मानना है कि 70-75% हमारा हल्का जो है अनऑथराइज कॉलोनीस का है, और जहाँ गवर्नमेंट बड़ी लिमिटेशन के साथ फैसिलिटीज़ देती है, और क्योंकि बहुत कम एरिया जो है 25% जो ऑथराइज एरिया है, जहाँ सभी काम आप एमएलए फंड से या से करा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरे ओखला हल्के में मैं दो बार जीता, लेकिन मुझे मेरा टर्न 5 ही साल रहा, क्योंकि एक बार 4 साल के लिए रहा मैं, और एक बार तकरीबन 1 साल के लिए रहा। तो अगर देखा जाए तो जीता तो 2 बार, लेकिन टर्न मिला मुझे कुल काम करने का मौका मिला 5 साल। उस 5 साल में आज भी आप देखिए जहाँ जाएंगे जो सड़कें और जो सीवेज सिस्टम और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसमें 80-90% अकेला मेरा ही कंट्रीब्यूशन रहा है। और आम आदमी पार्टी को लोगों ने इसलिए चुना था कि शायद उनको लगता था कि उससे ज़्यादा बेहतर ये फैसिलिटी दिलवा पाएंगे, लेकिन पूरा एरिया जो है आज तराही तराही कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने 93% दिल्ली में, एड में देख रहा हूँ कि टीवी पे भी चल रहे हैं, अखबार में भी आ रहे हैं कि 93% दिल्ली में हमने पानी दे दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ओखला हल्के में कुल 25% एरिया में पानी है और 75% एरिया में पानी नहीं है। वो हमारे टाइम पे भी नहीं था, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे और ये एरिया में रनिंग वाटर लेकर आएंगे। उस जो पानी आ रहा था उसमें भी तकरीबन 30-35% कटौती हुई है, और वो कहते हैं कि हमने लोगों को फ्री पानी दिया है। कहाँ पानी दिया है मुझे नहीं मालूम। और वो कहते हैं हमने एजुकेशन में बहुत सुधार किया है, हमने 2100 स्कूल बना दिए। शुरू में तो उन्होंने कहा कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, लेकिन इस मुस्लिम एरिया में देखें जामिया नगर में तो 2 हायर सेकेंडरी स्कूल थे हमारे टाइम में, उसमें से एक जो जोगाबाई में है उसको तोड़ के डाल दिया। आज 1.5-2 साल से वो टूटा पड़ा हुआ है और सिर्फ एक स्कूल चल रहा है एरिया में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 5 लाख में एक स्कूल सिर्फ चल रहा है, तो पता नहीं उन्होंने एजुकेशन में कहाँ सुधार किया है। तीसरी बात यह है कि बिजली के बारे में कहते हैं कि हमने 24 घंटे बिजली दी। देखिए जब शीला दीक्षित आई थी तो उस टाइम जब मैं एमएलए मैं काउंसलर था तो अनऑथराइज कॉलोनी में बिजली का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना तार था ना ट्रांसफार्मर था, लेकिन हम लोगों ने सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी और पूरी अनऑथराइज कॉलोनी का इलेक्ट्रिफिकेशन करवाया जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट में था। और 24 घंटे जब मैं काउंसलर था तो मुझे आज भी याद है 7-8 घंटे इस एरिया में लाइट आती थी अनऑथराइज कॉलोनी में, और पूरी रात हम सड़कों पर गुजारते थे लेडीज़ और बच्चे और सब लोग गर्मी के मौसम में। उन्हीं के टाइम में, शीला जी के टाइम में तकरीबन ये 24 घंटे लाइट हमने दी, लेकिन आज उसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल लेने की बात करते हैं। तकरीबन 6-7 हज़ार बसेस CNG कांग्रेस शीला जी लेकर आई, और उन्हें UNO ने भी अवार्ड दिया पॉल्यूशन काम करने का। आज उन 6.5-7 लाख बसेज में से कुल 3-3.5 लाख बसेज जो हैं सड़कों पर हैं, और ग्रीन टैक्स के नाम पे इन्होंने अरबों रुपया रेवेन्यू वसूल कर लिया, और सिर्फ 5 साल में 100 बसेज खरीद पाएंगे। हमने 6.5-7 हज़ार बसेज हमने CNG की अवेलेबल करवाई। हमने हमारी लाडली योजना थी, हम जो बुजुर्गों को और डिसेबल्ड लोगों को जो विकलांग थे
उनको 2000 रुपये महीना देते थे, वो तमाम स्कीमें अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दी और सिर्फ एक सोचा छोड़ दिया कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा हूँ। और आप ये देखिए कि तमाम जो हम फैसिलिटीज देते थे उसमें तमाम में कटौती करके और एक सिर्फ 200 यूनिट का सोचा छोड़ के, और वो चार समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आप पूरे हल्के में चले जाइए, इन्हीं के काउंसलर हैं, इन्हीं का MLA है, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, सड़कें तमाम टूटी हुई हैं, सीवेज सड़कों पर उबल रहे हैं। और ये मेरा कहने की बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी कहते हैं कि मोटे मोटे जब बाल आदमी कटाता तो कहता है कि भाई कितने बाल हैं, तो जो काटता है वो कहता अभी मैं मूट रहा हूँ सामने आ जाएंगे। एक महीना भी नहीं रहा, ये रिजल्ट सामने आएगा, 20-25 दिन की बात है, रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं जाकिनी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ, कि लोग यहाँ आम आदमी पार्टी को ओखला हल्के में तो वोट नहीं देंगे, बाकी सभी एरियों की यही हालत होगी अगर ओखला हल्के की यही हालत होगी। और तमाम जो पुलिस की जातियाँ थी या जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के मामले में पुलिस जातियाँ करती थी, हम जब MLA थे हमने तमाम पुलिस की जातियाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की जातियाँ बंद करी थी और हर छोटे छोटे मसले पे भी हम आवाम के बीच में खड़े नजर आते थे। लेकिन आज लोग ढूंढते हैं, यही नहीं पता कि MLA का ऑफिस कहाँ है, काउंसलर का ऑफिस कहाँ है। और जो मेरे टाइम में 20 टैंकर जल बोर्ड के चलते थे, 10 मेरे अपने चलते थे, 30 टैंकर हम चलाते थे, क्योंकि हमें पता था कि अनुथराई कॉलोनी में पानी नहीं है, जे कलस्टर्स में पानी नहीं है। आज वो 20 के 20 खत्म कर दिए गए, पिछले 5 साल से किसी ने 20 टैंकर की शक्ल नहीं देखी। और जो मेरे टैंकर थे वो पुराने हो गए थे, मैंने उनको कबाड़ी को बेच दिया और आज एक भी टैंकर शादी ब्याह के लिए या किसी काम के लिए पानी अवेलेबल नहीं है पूरे एरिया में। हालात इतने ख़राब हैं कि पूरा एरिया जो है जो स्लम बना हुआ है। अब ये तो देखिए, हम क्योंकि अपोजिशन में हैं तो हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि हमारा काम यही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि 20-25 दिन की बात है और पब्लिक फैसला। आपकी आम आदमी पार्टी की किला भेदने के लिए क्या तैयारी? देखिए, हम तो जनता में जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एरिया के हालात हैं पब्लिक खूब समझती है। हमारी प्रेजेंस, हम समझते हैं कि हम नॉमिनेशन करेंगे, हमारी प्रेजेंस ही काफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। आसिफ 2 बार जेल गया, आसिफ अपनी कौम और मिल्लत के लिए गया, अवामी मसलों पर गया, और आम आदमी पार्टी का MLA तिहाड़ जेल गया, सबको पता है किस मसले पे 2 बार तिहाड़ जेल गया। तो नेता को फख्र होता है जब वो अवामी मसले पर, मसाइल पर वो जेल जाता है, तो वो अपने आप को फख्र महसूस करता है। लेकिन निजी मामलों में या ऐसे मामलों में जो बड़े घिनौने माने जाते हैं, उनमें अगर कोई विधायक या काउंसलर या कोई चुना हुआ नुमाइंदा जाता है तो ये बड़े अफसोसनाक बात होती है। और वो ट्रायल अभी भी ऑलरेडी वो केसेस में चल रहे हैं, जितने केस रजिस्टर्ड हुए हैं आम आदमी पार्टी के MLA के ऊपर, वो क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुए हैं और उनसे पब्लिक का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे ऊपर जो केस हुए वो आवामी तहरीक चलाने को, अभी जैसे ये जामी मिलिया इस्लामिया से चला CANRC के खिलाफ, हम लीड कर रहे थे, हमें कोई शक की उसमें बात नहीं है। तो 2 केस रजिस्टर्ड किए गए, दोनों मेरे नाम से केस रजिस्टर्ड किए। ऐसे मसलों पर अगर आदमी जेल भी जाता है तो उसे फख्र महसूस होता है। हम जब पिछली बार हमारे खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने एक रिपोर्ट कार्ड, क्रिमिनल रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया था कि ये देखिए ये लोग क्रिमिनल हैं, आज वो अपने MLAs के बारे में बताने को तैयार नहीं है कि इन पे क्यों केसेज रजिस्टर्ड हुए, है ना। उन्हें भी आप उनका रिपोर्ट कार्ड, क्रिमिनल रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। इस बार जब आप चुनाव जीत कर आएंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी, पहली प्राथमिकता? देखिए, प्राथमिकता तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं उस एरिए के हल्के की, वो प्रायोरिटी होती है। पीने का पानी हो गया, सड़कें हो गई, सीवेज सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, और रोज़ सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं समझता हूँ कि हम पानी और सीवेज इस एरिए को बहुत सख्त ज़रूरत है, सड़कें उसके साथ साथ बननी ही बननी है, ये प्रायोरिटी है। और उसके अलावा भी और भी बहुत से मसाइल हैं। यहाँ के पब्लिक ये कह रहे, पहले जब आसिफ साहब विधायक थे हम लोगों को एक ही छत के नीचे, चाहे पेंशन हो, आवास हो, सारी जगह का कार्य हो जाता था, क्या जब इस बार जीत के आए पुनः वही प्रक्रिया? देखिए, हाँ, उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि और लोगों को उससे बेहतर हमारी तरफ से फैसिलिटीज मिलेगी। हम तो यही कोशिश करते हैं, पहले की भी है और लोगों ने हमें सराहा भी है, लेकिन लोग कभी छल कपट और झूठ और मक्कार लोगों के फरेब में आ जाते हैं और पिछली बार आ गए, हमें फिर यकीन है कि लोग चुनेंगे। आप शीला जी के काफ़ी करीबी रहे हैं,
तो इस बार कांग्रेस से क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, शीला दीक्षित की तो बात ही अलग थी। उनका तो सभी, चाहे अपोजिशन के लोग हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी उनका एहतराम इज्जत करते थे। वो एक बहुत बड़ा चेहरा भी थी और लीडर भी थी और बहुत खूबियाँ थी उनमें। उन्होंने दिल्ली को बहुत चमकाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो कमी तो सभी महसूस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस बेहतर पहले से इम्प्रूवमेंट करेगी, क्योंकि जो 2015 में जो हमें जितनी परसेंटेज वोट की मिली थी, 10% मिली थी पिछले अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन गुजरा है 6-7 महीने पहले, तो हम 23% पे पहुंच गए थे। उम्मीद ये है कि अब उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। सीए और एनआरसी को लेकर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इससे वोट बैंक में बदलाव होगा? देखिए, वोट बैंक की बात नहीं है। वोट बैंक में अगर होता तो हम बाबरी मस्जिद पर जब डिसीजन आया था उस पर बोलते, 3 तलाक पे बोलते या 370 पे बोलते। ये वोट बैंक की लड़ाई नहीं है, ये तो ये लड़ाई जो है सभी लोग मिलके लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तमाम हमारे हिंदू भाई स्टेटों में, यह हाल है नॉर्थ ईस्ट की 9 स्टेटों में कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया और आर्मी को कॉल करना पड़ गया। और अब इस लड़ाई में भी तमाम वो लोग जो इस मुल्क में अमन अमान चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं, मजहबों को जोड़ के चलना चाहते हैं, ये और जो संविधान की रक्षा करने में लगे हुए हैं, हम ये मानते हैं कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और अब ये फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हम जो है इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और पहले से बेहतर सुविधा यहाँ के विधानसभा के नागरिकों को, मतदाताओं को देंगे, ये कहना है आसिफ मोहम्मद खान, पूर्व विधायक का। और इस क्षेत्र के बचे हुए कार्यों को और अपने सपनों को पूरा करेंगे। यहाँ की जनता की छोटी भी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, मतलब मेरा समस्या होगा, ये कहना है पूर्व विधायक का। चलिए, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।